अभी भाजपा ही सब चिल्ला रहा है, जरा पूछेगा ये लोग माफ़ी मांगेगा जो भ्रामक न्यूज चलाया था तमिलनाडु वाला, क्या हुआ जो जो हम बोले वो सच था कि नहीं था, निकला कि नहीं निकला सच। ये ऐसे ही करते रहेंगे बेशर्म, शर्म है या कोई नाम कोई है इन लोगों पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था। ये वीडियो तमिलनाडु का बताया जा रहा था। इस वीडियो में तमिलनाडु में काम कर रहे बिहारी मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा था और उन्हें बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। और जब ये वीडियो सामने आया तो काफ़ी ज़्यादा सियासत जो है वो बिहार में तेज़ हो गई थी और विपक्ष से भुनाने का काम कर रहा था। सभी लोग परेशान हो रहे थे कि आखिर किस तरीके का बर्ताव जो है ये बिहारी मजदूरों के साथ किया जा रहा है। लेकिन बाद में ये खबरें सामने आई कि ये वीडियो जो था वो फेक था और बिहार में ही बनाया गया था। यहाँ के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं उनके द्वारा ये वीडियो क्रिएट किया गया था और भ्रामक वीडियो जो था वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसी को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अब अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो लोग भी इसे लेकर के बोल रहे थे क्या वो माफी मांगेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो चल रहा है और इसी दौरान बिहार विधानसभा के बजट सत्र में तेजस्वी यादव पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग चाहते हैं अपना काम जो है बिहार की सेवा करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें और यहाँ हम लोगों को ये लोग चाहता है कि डाइवर्ट करें। अभी भाजपा ये सब चिल्ला रहा है, जरा पूछेगा ये लोग माफ़ी मांगेगा जो भ्रामक न्यूज़ चलाया था तमिलनाडु वाला, क्या हुआ जो जो हम बोले वो सच था कि नहीं था, निकला कि नहीं निकला सच। ये ऐसे ही करते रहेंगे बेशर्म, शर्म है या कोई नाम कोई है इन लोगों पे। और कुछ लोग बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग रहते ही हैं ना भाई, तो उन खबर चलाते हैं तो उनकी खुशी केवल 10 दिन ही है, बाकी दिन अभी खबर चलाएंगे ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद मियाँ। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।